ऑलरेडी आया था, तो इसमें एक प्रॉब्लम थी सैमसंग 32 इंच है जी, उसमें पॉप की प्रॉब्लम थी सर। अभी हमने इसको ओपन भी किया था, तो इसमें किसी पहले किसी टेक्नीशियन के पास गई होगी, तो उन्होंने इसका एक साइड से कॉफ कटिंग की थी। इसमें सिंगल कॉफ है, तो सिंगल कॉफ का बदलने का चांस 90% होता है, क्योंकि कॉफ मिलती नहीं है, इसलिए थोड़ा इश्यू होता है। और एक बनने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि चौड़ी ज्यादा होती है। तो इसमें कॉफ और बैकलाइट है कितनी खराब है? इसमें बैकलाइट का भी इशू है, बैकलाइट भी जा रही है, आपको दिख रहे होंगे जगह जगह पर बैकलाइट, और बाकी अंदर से भी पूरी सब हो चुकी है बैकलाइट है। इस तरह से आप कोर्सेज के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सैमसंग का टीवी, रेगुलर टीवी वगैरह हमारे पास आती है, और एलईडी डीजे एम्पलीफायर, जो भी आप सीखना चाहें उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। देखिए सैमसंग है, आइए चलते हैं और दूसरी लैब्स में भी मैं एक बार फिर से दिखाऊं। तो ये कस्टमर है हमारे पास, कहाँ से आए आप लोग? अमरावत सेमरी। अमरावत सेमरी, रायसेन जिला। रायसेन जिले से वहाँ किसी टेक्नीशियन को दिखाया था आपने? वहाँ पर नहीं हुए, बोले भोपाल ले जाना, तो उसने कटिंग कर दी इसकी ना। तो इस तरह से हमारे पास लगातार कस्टमर्स आते हैं, और हमारे जो प्राइस है फिक्स होते हैं, नॉर्मल होते हैं, हम बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं करते। आइए चलते हैं अगली लैब में, क्या चल रहा है वो देखते हैं। ये देखिए डीजे एम्पलीफायर चल रहा है यहाँ पर, इससे पूरा सर्किट चल रहा है, किस तरह से चलेगा वो भी देखेंगे हम अभी इसको। तो इनको भी चलने देते हैं, अगले बैच में चलते हैं हम। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये लैपटॉप का पूरा सर्किट, वोल्ट इन सर्किट, स्टेप डाउन सर्किट, ये पूरा हमारे स्टूडेंट्स करते हो। ट्रेसिंग आ रही समझ में? यस सर। ट्रेसिंग आ रही, 19 वोल्ट हो गया? यस सर। 19 वोल्ट चेक कर लिया? यस सर। स्टेप डाउन चेक करा? यस सर। चलिए अगले बैच में चलते हैं। ये मोबाइल का बैच जो चल रहा है इसको देख रहे हैं हम। कहाँ से बेटा तुम लोग? बरेली मंडला से। चलते हैं अगले बैच में। ये देखिए फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन का बैच, और इसमें क्या चल रहा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो मशीन पे काम चल रहा था वो सारी चीजें, और ये सर पूरा इसमें करा ली। हो गई रेडी? हो गई मशीन? चालू करो, चालू करो। आगे चलते हैं बैच में, और इस तरह से इनको करने देते हैं, अंदर लगा लो। थैंक्स, और थैंक्स फॉर द वॉचिंग। कोर्सेज के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पावर बोर्ड नहीं है क्या? देखना है। चलिए अंदर लेके चलते हैं इसको। अरे जल्दी कर लो, लाइव वीडियो है यार, तुम लोग भी हद मचा देते हो। ये देखिए ऑन हो गई है, और ये 3 मिनट का टाइम लेती है। इस पर भी वीडियो डाल चुके हैं कि 3 मिनट का टाइम पीटीसी की वजह से क्यों लेती है सारी चीजें, और आप देखेंगे ये जब आप इसको ऑन पे डालेंगे तो सारी चीजें किस तरह से काम करेंगी। और ये पूरी वॉशिंग मशीन खोली, कौन सी है, टॉप लोड है फ्रंट लोड है? फ्रंट लोड, फ्रंट लोड है। और इसको हम आपको चला के दिखाते हैं पूरा। क्या क्या करा इसमें बताओ? ये को से भी दो ना, ठीक है, ये वैसे कर दिया। और ये प्ले कर दी, ये स्पिन, अब कुछ नहीं होगा, अब थोड़ा सा पानी लेगा, ठीक है, अब लॉक हो गई। कौन से मोड पे डाले? अब खुलेगा नहीं, वो इजी वॉश पे, इजी वॉश पे, इजी वॉश पे ये चल पाएगा? चल रहा है, पानी पानी लेगा, पानी दिया तुमने, चल चल रहा है, कैसे चलेगा? स्लो स्लो चल रहा है, मशीन की प्रोसेस तो इजी गियर है ना, इजी
वॉश के लिए इसको क्या चाहिए? पानी 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 है स्पिन पे डालो सर डायरेक्ट होगा करो आया आरपीएम कितना रखा तुमने 1000 अब इसका प्रेशर खुलेगा क्या सर ये लोगों का गेट तो कलर तो लगा दिया था इसके मोटर के सूखा किसी को कवर देगा कि भैया पानी निकल चुका तब ये चालू होगा वो सर हुआ तो ये आप देख पा रहे होंगे खत्म होने के 3 मिनट बाद ही डोर खुलेगा सर बड़ी सी रफा में कर दो वहाँ से 3 मिनट बाद ही खुलेगा क्योंकि पीटीसी गर्म है क्लियर हो गया पूरा वॉशिंग मशीन का ये फ्रंट लोड कौन सी फ्रंट लोड का है ना पूरा क्लियर होगा खोलना टॉप लोड क्लियर हो गई सेमी क्लियर हो गई किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी सर अब जो नया करना सीख लोगे ना ठीक है चलिए और दिखा देता हूँ मैं आपको लैपटॉप में लैपटॉप में देखिए पूरा सर्किट चल रहा है इसको चलने देते कोर्सेज के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं थैंक्स फॉर द वॉचिंग